सांगली जिले में महेशाड़ गांव में 20 जून को 9 डेड बॉडीज हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली थी। उस हिसाब से हमने वो स्पॉट वेरीफाई किए। इनिशियली वहां पर दो सुसाइड नोट्स मिली थी जिसमें 25 आरोपी के नाम थे, तो उस हिसाब से अप्रोप्रिएट आईपीसी सेक्शंस अप्लाई करके और मनी लेंडिंग एक्ट अप्लाई करके 19 अक्यूज को अरेस्ट किया गया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा पता चला है कि इसमें ये 9 लोगों का मर्डर हुआ है और ये मर्डर 2 लोगों ने किया है। उन 2 लोगों को सोलापुर से अरेस्ट किया गया है, उनकी पुलिस कस्टडी ली गई है और पुलिस कस्टडी में ऐसा पता चला है कि इसमें अंधश्रद्धा से रिलेटेड इसमें एलिमेंट्स हैं। एक्यूज्ड की जब घरझड़ती ली गई तो उसमें नारियल, कुछ कोरे चेक्स, इस तरह की वस्तु सीज किए गए हैं और इसलिए महाराष्ट्र अंधश्रद्धा अधिनियम सेक्शन 3 ये इस केस में अप्लाई किया गया है। ये दोनों 4 साल से मृतक कुटुंब मृतक परिवार के संबंध में थे। घटना जिस दिन हुई उसके अगले दिन रात में ये लोग इनके वहां आए थे, इनके साथ इन्होंने खाना खाया, इनको पूजा करने के लिए कुछ गेहूं दिए, 1100 गेहूं दिए और सबको बोला है कि 7 बार वो गेहूं गिनना चाहिए। और जब वो मृतक जब वो गेहूं गिन रहे थे उस समय पे किसी को तो भी मेडिसिन उसका पाउडर करके उसके 9 लिक्विड उसके बॉटल्स बनाए गए और वो एक एक करके इन मृतकों को दिए गए। अभी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा सामने आया है कि सुसाइड नोट ये कुछ दिनों पहले लिखी गई थी। ये केस में आरोपियों को सजा होने के लिए जो भी कुछ करना चाहिए वो हम हमारे सीनियर्स के साथ डिस्कस करके, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट हो या फिर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, उसकी हम हमारे सीनियर्स के साथ डिस्कस करके उस पर डिसीजन लेंगे। देखते हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू है, अगर कोई और नए एविडेंसेस आगे आते हैं तो आरोपी बढ़ सकते हैं।